नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UP SSSC वर्ष 2021 में 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियों की तैयारियों में जुट गया है। आयोग के पास 40,000 के करीब खाली पदों पर भर्ती संबंधी प्रस्ताव पहुंच गए हैं। कुछ और विभागों से 10,000 से अधिक संशोधित प्रस्ताव मंगवाए गए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नए साल में सबसे पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराएगा। इसके बाद भर्तियों के संबंध में विज्ञापन निकालकर आवेदन लेगा। प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल 2021 में कराने की तैयारी की जा रही है, जबकि मुख्य परीक्षा मई तक कराकर भर्ती हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए योग्यता के आधार पर आवेदन लेगा। उदाहरण के लिए इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रोफेशनल कोर्स या फिर तकनीकी योग्यता वाले पदों के लिए ग्रुपवार आवेदन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके लिए आयोग में आए हुए भर्ती प्रस्तावों को पद और योग्यता के आधार पर अलग अलग करने का काम शुरू कर दिया गया है। आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक इसके बाद भर्ती प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इससे आवेदन करने वालों को भी सुविधा होगी। इससे वे अपने ग्रुप के आधार पर आवेदन कर सकेंगे और आयोग को भी भर्ती परीक्षा कराने में आसानी होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए फरवरी में एक वेबिनार भी आयोजित करने जा रहा है। इसमें SIT STF के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा कराने वालों के साथ विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा। इसमें उनके अनुभवों और उनके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भर्ती परीक्षा का प्रारूप तय किया जाएगा, जिससे धांधली रुके और तय समय पर भर्तियां हो सकें। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने कहा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती संबंधी अधिकतर विभागों के प्रस्ताव मिल गए हैं। शैक्षिक योग्यता के आधार पर इसे ग्रुप में बांटा जा रहा है, जिससे भर्ती में आसानी हो। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।